हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल राज ठाकुर और आप कर रहे हैं हमारे साथ फंडामेंटल एनालिसिस CWD स्टॉक के। तो चलिए करते हैं जल्दी बिना किसी देरी के। हमारे सामने है यहाँ पे CWD स्टॉक। हाँ, अगर नज़र डालें इसकी लिस्टिंग डेट की, तो इसकी लिस्टिंग डेट थी 13 अक्टूबर 2021, जहाँ पे ये 180 के भाव पे लिस्ट किया गया था और आज इसका भाव है 1950 रुपये। यानी कि अगर आज की डेट से देखें तो 979.84% का रिटर्न दे चुका है। और इसकी फाइनेंशियल अब एनालिसिस करते हैं, तो हमारे सामने इसके फाइनेंशियल्स खुलेंगे और इनकम पे हम जाएंगे। सबसे पहले कंपनी की टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 2020 में कंपनी ने 3 करोड़, 2021 में 3.35 करोड़ और 2022 में 15.85 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। और हम देखें इसकी नेट इनकम की, तो 2020 में 52 लाख, 2021 में 1.36 लाख और 2022 में 3.11 करोड़ का इसने जनरेट किया है इनकम। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2020 में 7.20 का, 2021 में 6.53 का और 2022 में 9.76 का इसने EPS दिया है, मतलब अर्निंग पर शेयर इसके शेयर्स के रहे हैं। हम देखिए, अगर इसको देखें टोटल रेवेन्यू को, तो साल दर साल ये बढ़ा है, जो कि गुड साइन है। फंडामेंटल एनालिसिस करने के दौरान ये अच्छा चीज माना जाता है। और नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम भी इसका लगातार बढ़ा है, जो कि ये भी अच्छा साइन है। कंपनी की बैलेंस शीट को अगर ध्यान से देखा जाए तो 2020 में 4.83 करोड़ का इसका टोटल एसेट था, मतलब संपत्ति इसकी थी, और 2021 में 7.75 करोड़ की और 2022 में 30.88 करोड़ की, मतलब कंपनी का एसेट्स बढ़ा है। और देखिए कंपनी की लायबिलिटीज को, कि कंपनी खर्च कितना करती है साल दर साल, तो 6.48 करोड़ इसने 2020 में खर्च किया है और 2021 में 6.14 करोड़ और 2022 में 11.19 करोड़। अगर कंपेयर करा जाए एसेट को और लाइबिलिटीज को, तो ये भी बहुत बढ़िया साइन है कंपनी के लिए, गुड साइन इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। और देखिए कंपनी के कैश फ्लो की, कि कंपनी के हाथ में पैसा कितना आया किस साल में, तो आइए देखते हैं। अगर हम देखें तो 2020 में कंपनी के पास पैसा नहीं आया, उल्टा की कंपनी को हाथ से निकला ही है, जो कि 77 लाख है। और फिर 2021 में 93 लाख और 2022 में कंपनी को जबरदस्त घाटा सहना पड़ा है। यहाँ पे कैश फ्लो की बात करें तो 8.47 करोड़ की इसकी कैश फ्लो निकली है हाथ से, यानी कि इसके पास आया गया कुछ नहीं आफ्टर ऑल, मतलब कंपनी जो कि सबसे बुरा साइन है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी के पास कैश फ्लो नहीं रहेगा तो काम आगे बढ़ेगा नहीं। जो भी काम होगा वो डेट से होगा, डेट कितना खराब होता है ये हम सब कोई जानते हैं। कंपनी की होल्डिंग्स को देखें, किसके पास कितना शेयर्स होल्डिंग है, तो कि थोड़ा सा समय लग रहा है। हाँ, खुल चुका है हमारे सामने। हम देखें 2020 में तो कंपनी के टोटल 2020 नहीं 2021 में तो कंपनी का 100% शेयर्स थे कंपनी के प्रमोटर्स के पास। 2021 में ये लिस्ट हुआ और उस समय था 72.29% शेयर इसका कंपनी के प्रमोटर्स के पास और बाकी के रिटेलर्स के पास। और 2022 में देखें तो कंपनी के पास सेम उतना ही जितना अक्टूबर 2021 में था, उतना ही मार्च 2022 में कंपनी के पास रहा। म्यूचुअल फंड्स के पास इसके कोई शेयर्स नहीं है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 13.31 करोड़ और बाकी रिटेलर्स के पास ही है। देखें कंपनी के इवेंट्स के बारे में, कि कितना इसने डिविडेंड्स दिए हैं, तो ये कंपनी ने अभी तक कोई डिविडेंड्स नहीं दिए, ठीक है। और हम बात करें इधर आके कंपनी के बेसिक्स के बारे में, तो इंट्रेंसिक वैल्यू जो है इसके प्राइस की तुलना में काफ़ी कम है, यानी कि ये ओवर वैल्यू है। और एंट्री पॉइंट इसका अच्छा है, क्योंकि इसे लोग ज़्यादा खरीद नहीं रहे हैं, तो आप इसको खरीद सकते हैं। और ASM लिस्ट की बात करें तो इस स्टॉक से थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है। तो बाकी यही रहा अपना फंडामेंटल एनालिसिस, अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं या नहीं। बाकी के लिए धन्यवाद।